हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एंड बर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टुला फैमिली का प्लांट, सकुलेंट प्रजाति का प्लांट, जिसे इंडिया में गंगा दूबी बोलते हैं। ये बहुत लोगों के घर में होगा, गंगा दूबी का पौधा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग आते हैं। और दूसरा बोलते हैं इसे मॉस रोज, या 9 o'clock या 11 o'clock रोज भी कुछ लोग बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी में अपन लेंगे काउडंग, नॉर्मल गार्डन सॉइल, नॉर्मल रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी सरसों कली। ये मिश्रण मैं सॉइल का लेता हूँ ताकि मेरे मिट्टी पे मॉइस्चर बना रहे और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे मिट्टी का मिश्रण लेने से। तो आप भी लें। अदरवाइज जो गंगा दूबी की बात मैं करने वाला हूँ वो किसी भी मिट्टी पे हो जाती है। मॉइस्चर बस बने रहनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी गीली रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, कैसे इसको ग्रो करेंगे आप। कुछ भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है और वो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। समर में तो उसकी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा जो गमला का पॉट है वो खूबसूरती से भर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसे गमले पे अपन या पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं कटिंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए ग्रो बैग ले लिया मैंने। इसमें नीचे में थोड़ा सा मैंने डाल लिया है नॉर्मल रिवर सैंड। उसके बाद अपन जो ये मिट्टी का मिश्रण जो बना के रखे हैं सॉइल मिक्सिंग, इसे अपन आसानी से इसमें डाल लेंगे। इस तरीके से मैंने दो ग्रो बैग लिया हुआ है, इस पर मैं अभी गंगा दूबी की कटिंग को लगाने वाला हूँ। इसे अपन थोड़ा अभी से ही इसमें पानी डाल लेंगे ताकि अपन उसकी कटिंग को इसमें आसानी से लगा सकें, क्योंकि इस कटिंग को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ड्रेनेज अच्छा हो आप ख्याल रखें आपके ग्रो बैग में। देखिए, ये मैंने कटिंग ली है, इसमें थोड़ी सी अभी फ्लावरिंग भी आ गई है, हल्का हल्का इसकी कटिंग बन ली है। ये कुछ भी आप लगाएं लग जाता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस इसमें ख्याल रखें कि इसे ज़्यादा अंदर तक मत ना लगा दें, इसको बस हल्का हल्का आपको मिट्टी गीली करके इसे अपने हाथों से दबा देना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है इसके लिए आपको, कि आपकी मिट्टी जो है वो हमेशा उसमें मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी बिल्कुल गीली ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी अपन कटिंग ले लेते हैं। कोई भी कटिंग ले लीजिए आप। किसी भी नॉर्मल कटर या आपके पास कैंची होगा उसमें से आप काट कर इसे ग्रो बैग में लगा लीजिए या पॉट में लगा लीजिए। इस तरीके से बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके फूल कितने सुंदर दिखते हैं, और एक ही जो कटिंग लगाए रहेंगे, अलग अलग कटिंग एक ही, तो उसमें अलग अलग तरीके के फूल आने लग जाएंगे। देखिए, इस तरह से फूल दिखेंगे इसके गंगा दूबी के, और अगर ग्रुप में खिलेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे, बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे आप हैंगिंग पॉट के रूप में भी लटका सकते। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।